हेलो एवरीवन, इस ड्रामा के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। उससे पहले आपने इसके बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो इस सजेस्ट आपको उसे देख लेना चाहिए। सो बिना देरी के लेट्स बिगिन। इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले हमारे ड्रामे की फीमेल लीड वेन राव से होती है, जो कि अपने ओरिजिनल घर को विजिट करने के लिए जाती है। यहाँ पर यह पता चलता है कि वेन राव दरअसल काफ़ी रिच है, मतलब वो बहुत ज़्यादा ही रिच है। फिर भी वो पुअर गर्ल की तरह रहती है बिकॉज उसे इंडिपेंडेंट बनना है और सभी को प्रिटेंड करती है कि वो रिच है। सो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर उसके लॉजिक वही जाने। और सबसे पहले हम उसकी स्टेप सिस्टर को देखते हैं, जो कि दरअसल उसकी रियल सिस्टर होती नहीं है और इन दोनों में खास कुछ बनती नहीं है। आफ्टर दैट अपने डैड के साथ वो काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर लंच करती है। तभी उसके डैड कहते हैं कि उसे घर पर वापस आ जाना चाहिए। दरअसल वो अभी तक अपने घर पर बताती भी नहीं है कि उसकी शादी हो चुकी है। यहाँ पर वेन राव की माँ उसकी हेल्प करती हैं और डैड को परस्यू करती हैं कि वेन राव को दरअसल अपने न्यू बिजनेस में थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है। तभी उसके डैड उसे बताते हैं कि शुनमी दरअसल एक कंपनी के साथ डील कर रही है। तभी वेन राव कहती है एग्जैक्टली पॉलीमोडा एंड दैट्स माय कंपनी एंड आप उसे स्मॉल बिजनेस कैसे कह सकते हैं। इसके बाद उसके डैड कहते हैं कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हें वापस घर आ जाना चाहिए। तुम कितने सालों से बाहर रह रही हो, ये सब डेंजरस है और जब तुम इतनी ज़्यादा रिच हो बाय बर्थ तो तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत क्या है। वेन राव इन सब चीज़ों से अनॉय हो जाती है और इसके बाद वो रोना स्टार्ट कर देती है और अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाती है और कहती है कि डैड यू आर करेक्ट, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं तो एकदम बेवकूफ़ हूँ एंड मुझसे कुछ हो ही नहीं सकता, दैट्स सो अनॉइंग फॉर मी। इसके बाद वो रोना स्टार्ट कर देती है। तभी यहाँ पर उसकी माँ उसे सपोर्ट करती है और कहती है कि देखा ना उसे कैसे रुला दिया, दैट्स नॉट फेयर, अगर वो हेल्प चाहती है तो आपको उसकी हेल्प कर देना चाहिए। तभी उसके डैड कहते हैं कि ओ तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, क्या चाहिए तुम्हें, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तभी यहाँ पर वेन राव खुश जाती है और अपने रास्ते जाने लगती है। तभी उसकी स्टेप सिस्टर उससे मिलने के लिए आती है और कहती है कि वाह क्या एक्टिंग थी। तभी वेन राव कहती है कि कैसी एक्टिंग, तो मेरे बिजनेस में टांग ना ही अड़ाओ तो ही बेहतर है। हम बात करें तो शू अपना बदला काफ़ी अच्छे से निकाल रहा होता है। आफ्टर दैट वो पॉलीमोडा का ट्रेडमार्क खुद ही खरीद लेता है। वो बिना ट्रेडमार्क के पॉलीमोडा के जो शूज हैं वो मार्केट में नहीं आ सकते थे। और जैसे ही ये बात लियांग को पता चलती है तो वो पहुँच जाता है अपनी वाइफ के मैच को सुलझाने के लिए। इसका तो शू से बात करता है और कहता है कि उसे ट्रेडमार्क वापस चाहिए। तभी शू कहता है कि नहीं। इसके बाद लियांग कहता है कि वो दरअसल पैसे डबल कर देगा। यहाँ पर उसका असिस्टेंट कह रहा होता है कि बॉस ये इतना भी कॉस्ट नहीं करता, हम नया ट्रेडमार्क ले लेंगे, बट नहीं इन्हें तो यही चाहिए था। इसके बाद शू मानता नहीं। या फिर दैट लियांग कहता है कि डबल ट्रिपल फोर्थ टाइम फिफ्थ सिक्स सेवन्थ आफ्टर दैट 10 times उसे डबल कर देता है। तभी यहाँ पर शू कहता है कि बस इतना बहुत है, मैं इतने में मान जाऊँगा। तभी यहाँ पर लियांग कहता है कि सच में। तभी शू कहता है कि ऑफ कोर्स मैं इतना भी सेल्फ सेंटर्ड नहीं हूँ एंड अगर बात पैसे की है तो मेरा क्या चाहता है, मुझे 10 गुना मिल रहा है तो ये एक अच्छी डील होगी, मतलब तुम बेवकूफ़ बनोगे और मुझे थोड़ा स्मार्ट बनने का मौका मिलेगा। तभी यहाँ पर लियांग कहता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, उसे बस इससे फ़र्क पड़ता है कि बस उसकी वेन राव को कुछ ना हो। तभी लियांग प्रोडक्ट्स को देखने के लिए जाता है तो वो देखता है कि ये सारे के सारे शूज़ दरअसल एक पर्टिकुलर छोटे से घर के पास शिप हुए हैं। इसके बाद वो पूछता है कि आखिर ये घर किसका है। तभी उसे बताते हैं कि ये घर दरअसल वेन राव का है। आफ्टर दैट जब लियांग अंदर जाता है तो वो देखता है कि आखिर ये सब क्या है। उसे वेन राव की सच्चाई पता चल जाती है कि वेन राव उसे झूठ बोल रही है और वो दरअसल काफ़ी पुअर है, ऐसा उसे पता चलता है। ऐसा होता थोड़ी है। विद दैट वो काफ़ी बुरा फील करता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वेन राव उसे झूठ कैसे बोल सकती है। इसके बाद अपने घर चला जाता है। यहाँ पे वेन राव उससे मिलने के लिए आती है और काफ़ी नॉर्मली उसे बातें करती है। यहाँ पर लियांग कहता है कि तुम उससे कुछ छुपा रहे हो क्या। तभी वेन राव कहती है कि नहीं। इसके बाद लियांग कहता है कि सीरियसली। तभी वेन राव कहती है कि ओके मैं तुम्हें बता देती हूँ, दरअसल मैंने तुम्हारा क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था एक न्यू रिंग खरीदने के लिए। लियांग कहता है कि ये नहीं। तभी वेन राव कहती है कि हाँ। इसके बाद वो कई सारी चीज़ें बता देती है पर रियल वाली बात नहीं बताती। इसके बाद लियांग कहता है कि तुम उससे अभी भी झूठ बोल रही हो। इसके बाद वेन राव को सारी सच्चाई खुद ही बता देता है। तभी वेन राव सोचती है कि अब कुछ बचा ही नहीं है छुपाने के लिए। इसके बाद रोना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि हाँ मैं ही गलत थी, मैंने इस दुनिया से एक्सपेक्ट किया कि मुझे रियल लव मिलेगा पर नहीं, सब कुछ पैसों की वजह से होता है एंड आई नो कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती, इसलिए मैं जा रही हूँ। यहाँ पर लियांग उसे रोकने की कोशिश करता है कि नहीं ऐसा नहीं है कि वो उसे छोड़ रहा है, वो दरअसल सब चीज़ें क्लियर करना चाहता है। पर वेन राव अपने कुछ अलग ही मूड में इसके बाद वो जल्दी से अंदर जाती है, अपना सामान पैक करती है और चली जाती है और कहती है कि ठीक है अगर तुम्हें शादी को ख़त्म करना है तो मुझे कल सुबह डिवोर्स पेपर भेज देना, ये भी साइन कर दूंगी। आखिर मुझ जैसी झूठी लड़की लव थोड़ी ना डिजर्व करती है। यहाँ पर लियांग बुरा फील करता है कि उसने वेन राव को कुछ ज़्यादा ही हर्ट कर दिया क्या। के बाद वेन राव को भी बुरा लगता है कि आखिर ये सब
क्यों हो रहा है उसके साथ अगर लियांग ने उसे सच में डिवोर्स ले लिया तो। इसके बाद अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और रोना स्टार्ट कर देती है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि मैंने तो कहा था ये तो होना ही है, तुम्हें सब कुछ सच बता देना चाहिए उसे अगर तुम उसे सच में प्यार करती हो। बिकॉज जो कुछ भी लियांग को पता चला था वो भी दरअसल झूठ ही होता है, उसकी रियल सच्चाई तो कुछ और ही है। के बाद वेन राव लियांग को मनाने के अपने अलग ही पैतरे आजमाती है। वो उसे सामने से जाकर सब कुछ सच नहीं बताती है बल्कि लियांग को ही बुरा फील करवाती है ताकि लियांग उसे फिर से एक्सेप्ट कर ले। के बाद वो लियांग के आने से पहले ही वहाँ पे ब्रेकफास्ट रख देती है ताकि लियांग उसे खाना स्टार्ट कर दे और खुद दूसरा ब्रेकफास्ट लेकर पहुंच जाती है ताकि वो लियांग को ब्लेम करे कि उसने वेन राव को रिप्लेस कर ही दिया। लियांग कहता है कि मुझे लगा कि ये ब्रेकफास्ट तुम लेकर आई हो। तभी वेन राव कहती है कि बस मुझे पता है कि तुमने किसी और को ढूंढ लिया और तुम उसे डिवोर्स लेना चाहते हो, इट्स हार्ट ब्रेकिंग। इसके बाद वो लियांग से लिफ्ट भी लेती है लेकिन कार में कुछ हेयर्स देखकर बोलती है कि ये हेयर्स किसके हैं, शायद तुम्हारी न्यू गर्लफ्रेंड के होंगे राइट। तभी यहाँ पर लियांग कहता है कि तुम्हारे हेयर्स नहीं है। तभी ये वेन राव कहती है कि नहीं डार्क ब्लैक हेयर्स हैं एंड इट्स नॉट माई टाइप, मुझे पता है कि तुम मुझे भूलने की कोशिश कर रहे हो। तभी लियांग उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो लियांग के घर में जाती है, यहाँ पर लिपस्टिक देखकर कहती है कि अच्छा तो ये भी उसी लड़के की होगी ना जिसे तुमने डेट करना स्टार्ट कर दिया। तभी यहाँ पर लियांग सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कौन सी न्यू गर्लफ्रेंड, मेरा तो कुछ है भी नहीं ऐसा सीन। इसके बाद लियांग के कुछ एम्प्लॉयज उसे दरअसल कैमरा फुटेज दिखाते हैं जिसमें लियांग को पता चलता है कि वेन राव ने ही वो ब्रेकफास्ट अपने आप ही रखा था और उसके बाद वो डबल ब्रेकफास्ट भी अपनी मर्जी से लेकर आई थी। उसके एम्प्लॉय कह रहे होते हैं कि यस बॉस योर वाइफ इज अ चीटर। तभी यहाँ पर लियांग कहता है कि नो दैट्स नॉट, दरअसल वो वापस आना चाहती है मेरी लाइफ में, दैट्स द पॉइंट। एंड हाँ वो वापस आना चाहती है, मुझे अभी भी लाइक करती है एंड मैं उसे अभी भी प्यार करता हूँ, सो हमारा जो रिलेशनशिप है वो फिर से स्टार्ट हो सकता है राइट, मैं सही सोच रहा हूँ ना। तभी उसके एम्प्लॉय सोचते हैं कि शायद इनका कुछ भी नहीं होने वाला। उसके बाद वेन राव पर्पस लिए अपनी डायरी दरअसल लियांग के घर पर छोड़ जाती है। यहाँ पर लियांग उस डायरी में अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें पढ़कर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। यहाँ पर वेन राव से फेक सिक का नाटक करती है और उसके बाद लियांग उसे विजिट करने के लिए आता है, उसका पूरा ख्याल रखता है और उसके बाद उसके लिए पॉरेज भी बनाता है और हर तरीके से उसका ख्याल रखता है, उसका टेम्परेचर चेक करता है, वो भी काफी हाई था। इसके बाद वो बैठे बैठे अपना टेम्परेचर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इस मशीन में ही गड़बड़ है बिकॉज ये हर बार कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बता रही है, मतलब एक जैसा। और उसके बाद वो समझ जाता है कि वेन राव इसमें भी उसे फूल बना रही है। आफ्टर दैट वो गुस्सा होकर चला जाता है। यहाँ पर वेन राव उसे रोकने की कोशिश करती है और उसके बाद उसे सच में वॉमिट हो जाती है और सच में वो बीमार हो जाती है। लेकिन इस बार कर्मा उसे हिट करता है और लियांग उसे दोबारा पलट कर नहीं देखता और अपने रास्ते चला जाता है और वेन राव सच में बीमार पड़ जाती है। यहाँ पर लियांग एकदम कंफ्यूज होता है कि वेन राव के इतने सारे झूठ के बाद भी क्या उसे दोबारा से एक्सेप्ट करे या ना करे। वेन राव से रियल वाला प्यार करता है बट एक रिलेशनशिप में इतने सारे झूठ उसे हजम नहीं हो रहे थे। इसके बाद में डैड से बात करता है तो भी उसके डैड से क्लियर कट एक बात बताते हैं कि लव में हमें हर किसी के फॉल्ट को दरअसल एक्सेप्ट करना ही पड़ता है एंड आई थिंक वेन राव ने ये सब चीज़ें की बिकॉज वो तुम्हें सच में प्यार करती है, इसीलिए वो तुम्हें खोना नहीं चाहती। या फिर लियांग भी सोचता है कि शायद उसे एक और मौका वेन राव को देना चाहिए। अफद वेन राव को पता चलता है कि लियांग की कंपनी में दरअसल काफ़ी प्रॉब्लम आ गई है। इसके बाद उस प्रॉब्लम को अपने तरीके से सुलझाती है और इसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है। आफ्टर दैट जब लियांग को सच में पता चलता है कि वेन राव रियल वाली बीमार है तो उसे दोबारा विजिट करने के लिए जाता है। वेन राव उसे सॉरी बोलती है कि आगे से उसे झूठ नहीं बोलेगी। तभी लियांग कहता है कि आई होप सो ऐसा दोबारा ना हो। इसके बाद वेन राव को बाहर ले जाता है। यहाँ पर वो वेन राव के घर के आसपास दरअसल लाइटनिंग का बहुत ही अच्छा इंतजाम करता है और उसके घर के आसपास हमेशा डार्कनेस रहती थी और वो कहता है वो नहीं चाहता कि उसके प्रिंसेस अंधेरे में रहे। आफ्टर दैट अपने बचपन की स्टोरी बताता है कि उसने वेन राव को अप्रोच क्यों किया बिकॉज उसकी चाइल्डहुड क्रश जो कि उसे अचानक से छोड़कर चली गई थी लेकिन उसके बाद उसका एक शूज उसके पास रह गया होता है जस्ट लाइक सिंड्रेला। जब सिंड्रेला अपने शूज छोड़कर गई थी तो उसके प्रिंस ने उसे उन शूज से ही ढूंढ लिया था। इसके बाद जब उसने वेन राव को देखा पता चल ही गया कि वेन राव ही उसकी सिंड्रेला है। आफ्टर दैट हमें ये पता चलता है वो सिंड्रेला वेन राव नहीं बल्कि वेन राव की छोटी सिस्टर है। सारी सिचुएशन को याद कर रही होती है और इस गिल्ट में भी रहती है कि उसने लियांग से दोबारा झूठ बोला, दोबारा नहीं मतलब कई बार हजारों बार झूठ बोला, एक और झूठ ऐड कर ही दिया। सो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।